हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग कार सर्विस वीडियो। सो आज हमारे पास आई है होंडा अमेज कार जिसका हम लोग कंप्लीट जनरल सर्विस करने वाले। इस वीडियो में हम लोग आपको पूरा सर्विस प्रोसेस डिटेल में डॉक्यूमेंट करके बताएंगे। गाइस ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड में हम लोग आपको इसका प्राइस शेयर करने वाले। गाइस अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। नाउ गाइस अबाउट मोटोफिक्स। मोटोफिक्स इज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ न्यू एज कार रिपेयर वर्कशॉप ऑफरिंग कंप्लीट ट्रांसपेरेंट प्रेडिक्टेबल एंड हैसल फ्री रिलेशनशिप विद इज कस्टमर। विद ओवर 100 प्लस वर्कशॉप्स अक्रॉस 5 मेजर सिटीज वे हैव 1.5 लाख हैप्पी कस्टमर्स। नाउ गाइस इफ यू हैपन टू विजिट अ वर्कशॉप यू मे सी वी यूज लेटेस्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड वी हैव अ टीम ऑफ हाईली स्किल्ड टेक्नीशियंस टेकिंग केयर ऑफ योर कार ऑल टाइम। नाउ गाइस वी ऑल्सो प्रोवाइड फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस एंड वी गिव रियल टाइम अपडेट ऑफ एवरी वर्क गेटिंग डन इन योर कार। सो एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइस सर्विस स्टार्ट करने से पहले हम लोग पार्ट्स एंड कंज्यूमेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस कार में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो द रिकमेंडेड ग्रेड फॉर दिस कार इज 5W30। सो आपका सर्विस पैकेज डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्ट्स ऑप्ट करते हो एंड कौन सा इंजन ऑयल आप यूज़ करते हो। सो गाइस फॉर दिस कार आपको इंजन ऑयल के चार ऑप्शन मिलते हैं। सो ये है 5W30 मिनरल ऑयल जो कि बेसिक ऑयल है। इसका प्राइस शुरू होता है 325 रुपीज़ पर लीटर। एंड देन नेक्स्ट आता है ये 5W30 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल। ये थोड़ा बेसिक ऑयल से एडवांस रहता है। ये सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है। सो इसका प्राइस शुरू होता है 430 रुपीज़ पर लीटर से। एंड नेक्स्ट ये 5W30 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। ये एडवांस इंजन ऑयल है एंड ये फुली सिंथेटिक है। इसका प्राइस शुरू होता है 530 रुपीज़ पर लीटर से। एंड लास्टली ये है 5W40 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल। ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन ऑयल है एंड ये आपके कार के इंजन को प्रोटेक्ट करेगा एट द हायर टेम्परेचर्स। ये सबसे एडवांस इंजन ऑयल है। इसका प्राइस शुरू होता है 750 रुपीज़ पर लीटर से। नाउ गाइस हर टाइम हम ऑयल चेंज करते हैं उसके साथ हमें ऑयल फिल्टर भी रिप्लेस करना होता है। सो पेट्रोल कार के ऑयल फिल्टर का प्राइस स्टार्ट होता है 115 रुपीज़ से एंड डीजल कार के ऑयल फिल्टर का प्राइस स्टार्ट होता है 220 रुपीज़ से। नेक्स्ट हम इस कार का एयर फिल्टर और एसी फिल्टर दोनों भी इंस्पेक्ट करेंगे। अगर वो सर्विसेबल हुआ तो हम उसे सर्विस कर देंगे और एल्स उसे रिप्लेस कर देंगे। एयर फिल्टर पेट्रोल कार का स्टार्ट होता है 290 रुपीज़ से एंड डीजल कार का एयर फिल्टर स्टार्ट होता है 550 रुपीज़ से। एसी फिल्टर का प्राइस स्टार्ट होता है 300 रुपीज़ से। तो हर कार सर्विस करने से पहले हम इसका ऑयल लेवल चेक करते हैं, इसकी थिकनेस चेक करते हैं और ऑयल में स्लजिंग है क्या वो चेक करते हैं। अब ये पेट्रोल गाड़ी है तो इसका ऑयल बहुत ही काला हो चुका है तो हम इसको इंजन फ्लश करेंगे। मैं ये फ्लश को पुराने इंजन ऑयल के साथ मिक्स कर रहा हूँ। तो अभी गाड़ी में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने पुराने इंजन ऑयल के साथ इंजन फ्लश मिक्स कर दिया है और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको गाड़ी को रेस नहीं करना है, गाड़ी का एसी ऑन नहीं करना है। तो इसे 10 मिनट तक एसी ही स्टार्ट रखना है आइडियल पोजीशन में। नेक्स्ट हम इस कार को हाइड्रोलिक रैम में ऊपर लिफ्ट करेंगे। इसके चारों व्हील बेयरिंग स्टेयरिंग रैक प्ले और बॉल जॉइंट्स इंस्पेक्ट करेंगे। तो अभी हम इसका फ्रंट का व्हील बेयरिंग चेक कर रहे हैं। व्हील बेयरिंग में कोई नॉइज नहीं है। ऐसे ही हम इसका रैक प्ले भी चेक करेंगे। रैक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही बॉल जॉइंट भी चेक करेंगे। बॉल जॉइंट भी अच्छा है। ऐसे ही हम फ्रंट के दोनों बॉल जॉइंट रैक प्ले एंड बेयरिंग चेक करेंगे और रियर का व्हील बेयरिंग चेक करेंगे। तो अभी रियर का व्हील बेयरिंग चेक कर रहे हैं। रियर का व्हील बेयरिंग भी अच्छा है। ऐसे ही हम दोनों साइड के व्हील बेयरिंग चेक करेंगे। हम इस कार के चारों टायर्स डिमाउंट करेंगे एंड इसके चारों ब्रेक्स इंस्पेक्ट करके उसे सर्विस करेंगे। फ्रंट के ब्रेक इन्फेक्शन करेंगे जिसमें सबसे पहले हम ब्रेक पैड की कंडीशन चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो मतलब ख़राब कंडीशन भी नहीं है और ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बट इसमें ब्रेक पैड में क्रैक आ गया है। तो हमें कस्टमर को बताएंगे कि सर आपके ब्रेक पैड में क्रैक हो गया है, आप इसको रिप्लेस कर दें। कस्टमर अप्रूवल देते हैं तो हम रिप्लेस कर देंगे। सेकेंड हम इसका डिश भी चेक करेंगे। तो डिश पे माइनर लाइनिंग आ गई है तो हम ये कस्टमर को शेयर करेंगे कि इसके डिश में भी प्रॉब्लम है, इसको भी लैथवर्क करना पड़ेगा। कस्टमर हमें अप्रूवल देते हैं तो देन हम ये काम स्टार्ट करते हैं। तो आप जब भी ब्रेक सर्विस करवाते हो तो गाड़ी में आपको कैलिपर पिन को लुब्रिकेशन करना चाहिए जिससे आपका ब्रेक है स्मूथली काम करने लगता है। अगर ये जाम रहेगा तो आपका ब्रेक बराबर अप्लाई नहीं होगा जिससे आपको ब्रेक में प्रॉब्लम होगा और आपके ब्रेक पैड जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो तब कभी भी आप
ब्रेक सर्विस करा रहे हो तो आप इस कैलिपर पिन को ग्रीसिंग करा लिया करें। तभी रियर का ब्रेक इन्फेक्शन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे लाइनर की थिकनेस, और उसमें सेकंड ये भी चेक करेंगे कि कहीं से क्रैक तो नहीं है। तो ये क्रैक भी नहीं है और उसकी थिकनेस भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी गुड हेल्थ है। सेकंड हम इसका सिलेंडर चेक करेंगे, ये जाम होने की वजह से कभी कभी ब्रेक प्रॉपर वर्क नहीं करता है, और लीकेज होने की वजह से भी। तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो अभी हम इसको पॉलिश करेंगे और क्लीन करके वापस से लगा देंगे। नेक्स्ट हम इस कार को और ऊपर लिफ्ट करेंगे एंड इसका कंप्लीट अंडरबॉडी इंस्पेक्शन करेंगे। अंडरबॉडी इन्फेक्शन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका बुशेस वगैरह चेक करेंगे। तो ये लोराम के बुश कट है, हल्का हल्का क्रैक हो चुका है, तो हम ये कस्टमर को बताएंगे। सेकेंड हम इसका स्टेयरिंग बॉल जॉइंट चेक करेंगे, तो ये ठीक है, मतलब इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्सल चेक करेंगे, लिंकेज चेक करेंगे, लिंकेज तो ठीक है। सेकेंड इसका शॉकअप भी चेक करेंगे, तो इसका शॉकअप किट आता है तो वो कट चुका है, तो हम कस्टमर को बताएंगे कि शॉकअप किट कट चुका है। सेकेंड इसमें हम ऑयल चेक करेंगे कि ऑयल लीकेज है क्या, तो ऑयल कहीं से लीकेज नहीं है। माउंटिंग चेक करेंगे, इंजन माउंट की जो माउंटिंग होती है, जिसे फाउंडेशन भी कहते हैं, वो चेक करेंगे। इसलिए कट होने की वजह से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट ऑन ऑफ करोगे तो आपको एक आवाज़ आएगा। तो ये भी ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही हम पीछे भी जाएंगे रियर साइड में, इसमें साइलेंसर चेक करेंगे पूरी पाइपलाइन कि कहीं से इंपैक्ट तो नहीं है। लेकिन हम उसका फ्यूल टैंक भी चेक करेंगे कि फ्यूल टैंक कहीं से इंपैक्ट तो नहीं है, तो फ्यूल टैंक भी ओके है। शॉकअप चेक करेंगे रियर के, शॉकअप ओके है, बट ये साइड का शॉकअप बफर किट कट चुका है, आप देख सकते हो। तो ये आपको कहीं भी स्पीड ब्रेकर में ये नॉइज़ आएगा। तो ये सारा रिपोर्ट हम कस्टमर से शेयर करेंगे, कस्टमर को एस्टिमेट देंगे, कस्टमर हमें अप्रूवल देंगे तो हम काम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार का पुराना इंजन ऑयल ड्रेन करने वाले हैं। नेक्स्ट हम इस कार का ऑयल फिल्टर रिप्लेस करने वाले हैं। आप कंडीशन देख सकते हो पुराने ऑयल फिल्टर की कंपेयर टू द न्यू वन। तो ये होंडा का जेन्यून ऑयल फिल्टर है, ये हम लोग इसे रिप्लेस करेंगे। ऑयल फिल्टर इंस्टॉल करने से पहले हम लोग उसके ओरिंग्स को प्रॉपरली लुब्रिकेट करेंगे एंड देन उसे इंस्टॉल करेंगे। पुराना इंजन ऑयल पूरा ड्रेन हो चुका है, अभी हम लोग इसका ड्रेन बोल्ट प्रॉपरली टाइट करेंगे, कार को नीचे लेके इसमें न्यू इंजन ऑयल फिल करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार में इंजन ऑयल फिल करने वाले हैं। कभी रियल टाइम अपडेट हम ओनर से शेयर करते हैं। हम इस कार का ब्रेक ऑयल टॉप अप करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार में कूलेंट टॉप अप करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार का एयर फिल्टर इंस्पेक्ट करने वाले हैं। एयर फिल्टर बहुत खराब कंडीशन में है, इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस कार का एयर फिल्टर का कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इसे रिप्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट है। सो हम कस्टमर को इसका कोटेशन शेयर करेंगे, कस्टमर अगर हमें अप्रूवल देते हैं तो हम इसका रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट हम इस कार का एसी फिल्टर इंस्पेक्ट करने वाले हैं। एसी फिल्टर की कंडीशन चलेगी, मतलब कोई रिप्लेस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लीन करके चला सकते हैं इसको। तो इसका एसी फिल्टर का कंडीशन अच्छा है, इसे हम लोग एयर सर्विस करके फिर से इंस्टॉल कर देंगे। कार के बैटरी का हेल्थ चेक करने वाले थ्रू मल्टीमीटर। हम कार को मल्टीपल टाइम स्टार्ट करके बंद करेंगे एंड बैटरी का हेल्थ चेक करेंगे। स्टार्ट करो, बंद करो, फिर से स्टार्ट करो, बंद करो। नेक्स्ट हम कार के सारे इलेक्ट्रिकल्स ऑन करके कार को स्टार्ट करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि कार की बैटरी कितना लोड ले रही है। स्टार्ट करो, बैटरी ओके है। तो इस कार के बैटरी का हेल्थ ओके है।
तो अभी हम टायर इन्फेक्शन करेंगे, इसमें टायर की कंडीशन चेक करेंगे, ये कहीं से क्रैक तो नहीं है या कहीं से कट हो गया क्या, वो चेक करेंगे। तो क्रैक भी नहीं है और कट भी नहीं हुआ है। सेकंड, हम इसका मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे जो 2017 का है। ये डैप गेज है, डैप गेज से हम इसका डैप चेक करेंगे। तो ये 3 mm का डैप है। ऐसे ही हम चारों टायर इन्फेक्शन करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार का कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन करने वाले हैं। हेडलाइट्स, हाई बीम लो बीम, हैजर्ड, हॉर्न, वाइपर्स, ओके, ब्रेक लाइट्स, रिवर्स लाइट, रियर हैजर्ड। नेक्स्ट हम इस कार के चारों पावर विंडोज इंस्पेक्ट करेंगे। कैबिन लाइट्स, तो इस कार का कैबिन लाइट्स नहीं चल रहा है, इसका रिपोर्ट हम कस्टमर से शेयर करेंगे। पीएम, ओके, एफएम, ओके, हम लोग इसका टच भी इंस्पेक्ट करेंगे वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। एसी, ओके, हम इस कार का सेंट्रल लॉक इंस्पेक्ट करेंगे, इसे हम लोग मैनुअली चेक करेंगे। सो मैनुअली बराबर चल रहा है, अभी हम इसे रिमोट से चेक करेंगे। सो रिमोट से भी बराबर चल रहा है। तो हम इस गाड़ी के स्पार्क प्लग भी चेक करेंगे, जिसमें सबसे पहले स्पार्क प्लग की कंडीशन चेक करेंगे कि कैसे है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में सबसे पहले हम इसका श्रैंक चेक करेंगे, ये कहीं से क्रैक तो नहीं है। सेकेंड, उसका हम डेप चेक करेंगे फिलर गेज से। तो मैंने ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, तो फिलर गेज से इसका जो गैप है वो ओके है। अभी हम इसको क्लीन करके वापस से इंस्टॉल कर देंगे। एवरी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस हम कार का व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करते हैं। हाउएवर, इस कार का अलाइनमेंट बैलेंसिंग रिसेंटली हो चुका था एंड कार प्रॉपर चल रही थी। इस कार में अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराना ज़रूरी नहीं था। इन एवरी जनरल सर्विस हम कार का डिटेल सर्विस रिपोर्ट तैयार करके ओनर से शेयर करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग जनरल सर्विस के लास्ट स्टेज में है। अभी हम कार को बाहर से प्रॉपर फोम वॉश करेंगे, इंटीरियर वैक्यूम क्लीनिंग करेंगे, डैशबोर्ड पॉलिश करेंगे एंड इंजन पे भी पॉलिश करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे जनरल सर्विस में इंक्लूड होती है। सो गाइस, अगर आपने वीडियो अब तक देख लिया एंड आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड आप हम इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। सो गाइस, इस कार का कंप्लीट जनरल सर्विस हो चुका है एंड द बेसिक सर्विस फॉर होंडा अमेज स्टार्ट्स फ्रॉम ₹2,999 ओनली। सो गाइस, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।